सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और आ गए हूँ एक और नई वीडियो एडिटिंग के साथ। सो इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप हैप्पी बर्थडे वाला कमिंग सून वाला स्टेटस की वीडियो कैसे बना सकते हो और आप किसी भी फ्रेंड का स्टेटस वीडियो बना के उसको इम्प्रेस कैसे कर सकते हो बर्थडे वाले दिन। सो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, प्रीव्यू दिखाता हूँ तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप का स्टेटस है, आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। आपको प्रीव्यू देखने के बाद पता चल जाएगा कि वीडियो कैसी है, मतलब प्रीव्यू कैसा है। सो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी हमारे चैनल पे नहीं है, पहली बार है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए प्रीव्यू देखने के बाद तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक का भी बटन होता है, तो जाके लाइक और डिसलाइक आपकी मर्जी जो मर्जी करके जाएं। और इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 250, बस 250 लाइक भाई, 250 लाइक कंप्लीट जरूर से करा दें। अगर 250 नहीं हो तो जरूर से क्लिक करें। सो सबसे पहले प्रीव्यू देख लें, तो प्रीव्यू कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस टाइप की वीडियो बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और इस वीडियो में जितने भी डिल्स मैंने यूज़ किया उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, फोटोज़ वगैरह का लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, जिनका मैं फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ उनके चैनल का, मतलब कि चैनल नहीं बोल सकते हैं अकाउंट का, तो आप इजीली से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम से फोटोज़। और हाँ, बाकी प्रीव्यू वगैरह डाउनलोड करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पे एक और चीज़ है, अर्निंग के मैं टिप्स वगैरह देता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर से कर ले, आपको बेनिफिट हो जाएगा। यूट्यूब के साथ आप पार्ट टाइम और कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जो अपने लाइट मोशन को ओपन करना, तो यहाँ से मैं अपने लाइट मोशन को ओपन करके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ आगे कैसे स्टेटस बनाना है। सो यहाँ से जब मैं अपने लाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ और लाइट मोशन ओपन करने के बाद प्लस के राइट साइड में जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन, अपने जो प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे टैप करना, और प्रोजेक्ट के ऑप्शन में टैप करने के बाद पहले आपको जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस टाइप से बीट मार्क होंगे और सॉन्ग भी होगा। सो यहाँ पे इस टाइप से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है स्टेटस में, मतलब कि लाइक था ना वो स्टार्टिंग में, वो सारा कुछ आपको खुद लिखना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना, आपको इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, धन इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। आपने क्या करना, जो स्टार्टिंग वाला टैक्स है ना उस पर आपने टैप करना, देन आपको जो ये दो डब्बे मिल रहा है, सो आपने दो डब्बे पे टैप करना, और डब्बे पे टैप करने के बाद यहाँ से कॉपी लेयर पे टैप करोगे, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको चले जाना अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में, और देन यहाँ पे आने के बाद दो डब्बे दिख रहेगा, आपने इस पर टैप करना, देन पेस्ट पे टैप करना और ये जो पेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको आगे आ जाना अगले बीट मार्क पे, और अगले बीट मार्क पे लाइक्स लाने के लिए आपको क्या करना, यहाँ पे टैप करके रखना और देन यहाँ पे बस एक टैप करना, देन स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो स्पीड वाले ऑप्शन पे टैप करोगे, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करोगे ना, तो अगले बीट मार्क पे आ जाएगा विदाउट एनी पंगा के साथ, मतलब कि कोई पंगा नहीं पड़ेगा आपके इफेक्ट में, देख सकते हो इजीली से आ गया। देन अगले लाइन को भी सेम लिखना, तो यहाँ पे हम कॉपी लेयर कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा टेक्स्ट है तो कॉपी लेयर कर लेते हैं, देन अगले बीट मार्क पे जाके इजीली से पेस्ट लेयर करा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया तो उसको कट कैसे करना, आपने इस पर टैप करना और फिर से स्पीड वाले ऑप्शन में जाना और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसको एक्स्ट्रा पार्ट कट कर सकते हो। सो देख सकते हो गया। अब इसके अंदर का टेक्स्ट कैसे चेंज करना, आपने इस पर टैप करना और देन एडिट के ऑप्शन में जाके और यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर्ट को भी चेंज कर लेते हैं, तो हर्ट आपको देख सकते हो कोई सा भी हर्ट यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो, तो देख सकते हो ईजिली से हो गया। तो ये इस टाइप से देखने को मिलेगा और हम लिखते हैं, सो जैसे हम लिखना है विश यू हैप्पी बर्थडे, तो इस टाइप से हम लिखेंगे, तो आपको सारे कैपिटल लेटर में लिखना है हैप्पी
और ये जो फाउंट है ना गाइज, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अलाइट मोशन का ही फाउंट है। तो आपको फाउंट इशू और फाउंट डाउनलोड करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस टाइप से मैंने हैप्पी बर्थडे लिख लिया, देन सिंपल से टिक करेंगे और यहाँ पे भी आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड से ही आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है एनिमेशन, तो यहाँ पे भी लेफ्ट से आ रहा है। तो बट मैंने वीडियो में तो राइट से दिया था, तो वो वाला एनिमेशन आपको लगाना है। उसके लिए आपको करना है इस पर टैप करना, देन आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी मूव एंड ट्रांसफर में जाना, और मूव एंड ट्रांसफर में जाने के बाद आपको क्या करना, जो स्टार्टिंग वाला की है ना गाइस, इस टाइप से आपको जो एरो पे टैप करके स्टार्टिंग वाले की पे आ जाना, और इस टाइप से आपको स्वाइप करना, जो यहाँ पे आया ना स्वाइप हियर टू मूव लेयर, जो यहाँ पे मैं जहाँ पे कर रहा हूँ उधर उधर आपने स्वाइप अप करके इस टाइप से आपको कर लेना यहाँ पे कुछ इस टाइप से। देन आपको क्या करना, सेंटर वाले की को ऐसे ही रहने देना, देन लास्ट वाला की वापस से इस टाइप से स्वाइप अप करके इस लेयर को आप इजीली से यहाँ तक ले आए। सो आ गया आपका, देख सकते हो राइट वाला एनिमेशन बन गया कुछ इस टाइप से। सो देख सकते हो, और अगर अगर आपका जो है बीच में कलर आ रहा ना उसको चेंज करना, सो उसके लिए आपको करना इफेक्ट के ऑप्शन में जाना, स्ट्रिप पे जाके, और ये देख सकते हो स्ट्रिप पे आपको ये एनिमेशन ये वाला कलर है, तो आप ये वाला कलर भी रख सकते हो। सो देख सकते हो इस टाइप से चेंज कर सकते हो, और मैं नहीं कर रहा, यही रहने दे रहा हूँ। और रेड के लिए भी आपका दूसरा स्ट्रिप है, तो यहाँ पे दूसरे स्ट्रिप से भी चेंज कर सकते हो रेड कलर को कोई और कलर में, तो इस टाइप से कर सकते हो। देन आपको क्या करना, यहाँ पे लाइंस वगैरह लिख लेना, और डेट कैसे लिखते हैं वो भी बता देते पहले। सो यहाँ पे मैंने लेयर पेस्ट करा, और देन यहाँ पे इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद एडिट एक्स किया, और यहाँ पे आके कुछ इस टाइप से स्वाइप मूव करा, और डेट इधर से, सो डेट कुछ इस टाइप से मैंने लिखा था, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जो भी है 7/3 और कुछ इस टाइप से। सो इस टाइप से आपको डेट वगैरह लिख सकते हो, देन सिंपल से टिक किया, और यहाँ पे देख सकते हो मेंशन हो गया, मतलब कि सारा कुछ हो गया। सो ये एक लाइन और लिखना, तो ये सारे मैं लाइन लिख के बताता हूँ आगे क्या करना, सो बाद में मैं लिख लूँगा। देन इस वाले ड्यूरेशन से गाइस आपको एंडिंग तक क्या करना, फोटो सबको इंपोर्ट करना। सो फोटो कैसे इंपोर्ट करोगे, देन इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, देन इस वाले ड्यूरेशन पे देख सकते हो, देन प्लस पे टाइप करेंगे, देन मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से क्या करता हूँ मैं इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पे मैं आ गया हूँ, और देख सकते हो गाइज इस टाइप से आपको जो है देखने को मिलेंगे ये सारे फोटोज़। तो ये सारे फोटोज़ मैं इनके चैनल का मतलब कि अकाउंट का लिंक दे दूंगा, तो इजीली से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई इस पर फोटो को सिलेक्ट करते हैं, देन थ्री डॉट पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया पे टैप करेंगे। अगर आपको नहीं करना तो जूम करके भी कर सकते हो, तो उसके मैं बाद में बता दूँ। सो अगले बीट मार्क पे जाएंगे, और अगले बीट मार्क तक फोटो लाने के लिए आप इस पहले ड्यूरेशन पे टैप करोगे और ये आ जाएगा। देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पे टैप करके फील कंपोजिशन एरिया करेंगे, देन अगले बीट मार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट कर लेंगे। देन इसी टाइप से आपको अगले बीट अगले इमेज को सिलेक्ट करना, देन मीडिया के ऑप्शन में जाना, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करना, और जूम कैसे करना, आपको जो ये राइट से मतलब कि ये वाला कॉर्नर पकड़ना और इस टाइप से जूम करना, देन अगले बीट मार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट लगा लेना, देन फिर से प्लस पे टैप करेंगे मीडिया के ऑप्शन में, देन अगले इमेज को सिलेक्ट करके इस टाइप से जूम करना, फुल स्क्रीन कर लेना, देन अगले बीट मार्क पे जाएंगे इस वाले ड्यूरेशन पे टैप करके कट लगा लेंगे। इसी टाइप से गाइज आपको जितने सारे भी आगे ड्यूरेशन पे इमेज ऐड करना, वो सारी इमेज ऐड करेंगे, देन इफेक्ट कैसे लगाना सो वो मैं बताता हूं। फिर यहां पे मैंने सारे बीट मार्क पे इमेज सबको ऐड कर लिया, और इमेज ऐड करने के बाद आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से वापस मतलब कि बैक जाना, और यहाँ पे आपको जो अपने शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे कुछ हिसाब से आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले वाले इमेज पे टैप करके हम पेस्ट करेंगे इफेक्ट, मतलब कि इफेक्ट पेस्ट करेंगे पहले वाले इमेज का। सो इमेज पे टैप करते इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करते, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, देन आपको जो बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट में चले जाना, और स्लाइड करके आपको आगे की ओर जाना, और जाने के बाद आपको क्या करना इस वाले ड्यूरेशन पे आ जाना, और ये जो इफेक्ट है ना गाइस मतलब कि दो ही फोटो पे आपने पेस्ट करना। सो कौन सा ड्यूरेशन है वो मैं आप ड्यूरेशन बताऊंगा, सो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ ये वाला ड्यूरेशन है पहले इमेज का जिस पे हम फर्स्ट इमेज पे पेस्ट करेंगे। सो ड्यूरेशन देख सकते हो 16 सेकंड और 17 मिली सेकंड, देन इफेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ हिसाब से इफेक्ट आ जाएगा। देन आपको स्लाइड करके वापस आगे जाना, और आगे जाने के बाद आपको एक ड्यूरेशन और है, तो यहाँ पे आपको 22 सेकंड और 18 मिली सेकंड, तो ये वाला इमेज है, ठीक है। सो इमेज पे टैप करेंगे, इफेक्ट का ऑप्शन थ्री डॉट पे जाके पेस्ट करना, और देख सकते हो इफेक्ट लग गया। सो इस टाइप से आ गया, और देन आपको क्या करना है इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, और देन आपको जो इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, और यहाँ पे आपको क्या करना कुछ हिसाब से देखने को मिलेगा सेकंड वाला इफेक्ट। सो इमेज पे टैप करते इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके कॉपी इफेक्ट करेंगे, देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे, और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट मतलब बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इस ये जो इमेज है ना मतलब ये जो इफेक्ट है ना आपको बस तीन इमेज पे यूज़ करना। सो वो कौन से तीन इमेज है मैं आप ड्यूरेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहला वाला ड्यूरेशन ये है, आपको क्या करना इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके इजीली से पेस्ट करना, और स्लाइड करके आपको आगे की ओर जाना, और आपको एक और ड्यूरेशन बताता हूँ। सो ये वाला ड्यूरेशन है अगला इमेज का, सो इमेज पे टैप कर इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री डॉट पे जाके पेस्ट, देन आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना, और एक अब एंडिंग से ड्यूरेशन है, तो एंडिंग में चलते हैं, और आपको ये वाला ड्यूरेशन देखने को मिलेगा।
सो इमेज पे टाइप करते ही इफेक्ट के ऑप्शन में 3 डॉट पर जाकर पेस्ट कर देना, बस आपका काम खत्म। और बस आपका अब दो इफेक्ट रह गया, दो इफेक्ट आपने पेस्ट कर लिया। सो यहाँ से हम थर्ड वाले इमेज पे टैप करते इफेक्ट के ऑप्शन में 3 डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं। और देन इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आते हैं और अपने जो बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे आपको जो है जहाँ पे भी डबल बीट मार्क है ना, मतलब कि आपको 18.05 सेकंड से लेकर एंडिंग तक जहाँ पे भी डबल बीट मार्क है, मतलब ये वाले ट्यूशन पे डबल बीट मार्क है तो इस पे आपने पेस्ट करना है। देन आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना और यहाँ पे डबल बीट मार्क है सो इमेज पे टैप करते कि इफेक्ट का ऑप्शन में 3 डॉट पर जाके फिर देन स्लाइड करके वापस से आगे जाएंगे और यहाँ पे डबल बीट मार्क है सो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। स्लाइड करके आगे की ओर यहाँ पे डबल बीट मार्क है सो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे और यहाँ पे भी डबल बीट मार्क है सो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड स्लाइड करके आगे की ओर जाना और यहाँ पे आपको जो है कहीं पे भी डबल बीट मार्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आने इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट इफेक्ट है सो इमेज पे टैप करते इफेक्ट का ऑप्शन में 3 डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट करेंगे। तो इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आएंगे और अपने जो बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे और यहाँ पे गाइस जितने सारे भी इमेज पे इफेक्ट नहीं ना उन सभी इमेज पे इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करना। सो इफेक्ट कैसे पेस्ट करना है, आपको बस इमेज पे टैप करते इफेक्ट के ऑप्शन में 3 डॉट पर जाके यहाँ पे पेस्ट करना, इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में 3 डॉट पर जाके पेस्ट। सो देन आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना और देन स्लाइड करके आगे की ओर जाना और ये 3 इमेज पे पेस्ट करना। देन फिर से स्लाइड करके आगे की ओर जाएंगे और फिर ये 3 इमेज पे आपने पेस्ट करना और देन फिर से स्लाइड करके आगे की ओर जाना और इस वाले इमेज पे पेस्ट करना, देन फिर से स्लाइड करके आगे की ओर जाना और ये 3, 1, 2, 3 और देन यहाँ पे आपको पहले से इफेक्ट लगा हुआ है। तो इफेक्ट पेस्ट कर लेने के बाद गाइज आपको अब PNG वगैरह ऐड करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको इस वाले ड्यूरेशन तक आना है, देन आपको क्या करना, प्लस का ऑप्शन दिख रहा है गाइज, प्लस के ऑप्शन पे टैप करेंगे, देन मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद आपको कुछ PNG को इंपोर्ट करना। सो मैं आपको बताता हूँ कौन सा PNG है। सो सबसे पहले आपको नीचे एक कलर PNG को इंपोर्ट करना। सो कलर PNG आपको कुछ इस स्टेप से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको स्लाइड करके इस स्टेप से इंपोर्ट कर लेना, देन स्लाइड करके एंडिंग में जाना और एंडिंग में जाने के बाद आपको इस वाले ड्यूरेशन पे टैप करके इसको इंपोर्ट करना है। देन ब्रांडिंग एंड ऑपोजिट के ऑप्शन में जाकर लाइटन पे टैप करके यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करोगे तो इस स्टेप से ये हो जाएगा। देन इसको डार्क करने के लिए आपने इस पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में एड इफेक्ट पे टैप करना, देन आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को ऑन कर लेना और सैचुरेशन को इस स्टेप से इंक्रीज करके वाइब्रेंस को भी इंक्रीज कर लेना तो ये जो डार्क हो जाएगा। देन आपको स्लाइड करके बैक आना और जहाँ से आपको कलर PNG को ओपन करा था उस दर आ जाना, देन प्लस पे टैप करना, मीडिया के ऑप्शन में जाना और ये हैप्पी बर्थडे वाले PNG को इंपोर्ट करना, देन आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाके इस स्टेप से इसको छोटा करना, देन स्लाइड करके आपको नीचे को सेट कर लेना। सो कुछ ही स्टेप से इसको सेट करें और यहाँ पे आपको बड़ा वगैरह भी कर सकते हो। सो राइट से थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे और स्टेप से इंक्रीज करेंगे और इस स्टेप से आपको जो स्वाइप अप कर लेना। सो स्लाइड करके सेट करना, देन आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना, देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करना, देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको एंडिंग तक लेना। सो कुछ ही स्टेप से गाइज आपको कर लेना, देन वीडियो को बना ले और एक्सपोर्ट करना होगा। सो सेटिंग पर टैप करेंगे और उसके FPS को 60 जरूर से कर लें। देन आपको ना सेटिंग के राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है, उस पर टैप करके वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट पे टैप करोगे तो एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो गाइस यार कुछ अच्छा वीडियो को बना ले और कैसी लगी आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो मैं तो किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।